चार महीने पहला कोई पार्टी आपका मुख्यमंत्री बदलिया, नवा मुख्यमंत्री लियाए, एक मुख्यमंत्री दिखता नहीं सी, हुण दूजा मुख्यमंत्री इन्ना दिखन लग गया तो इन्ने ऐलान कर लग गया कि लोगों ने मजाक ही बना लिया। वह कांग्रेस पार्टी का इतिहास से आपसी इन्नी वड्डी लड़ाई है उन्होंने। मैं लखविंदर शर्मा अजीत वैब टीवी तलवंडी साहब तो सब तो पहले तो अजीत वैब टीवी देखने वाले दर्शकों सत श्री अकाल मेरे वनियों दर्शकों दर्शकों का स्वागत है। जिवें असीं पहला लोग कचहरी ला के लोगों दियां विचार सुने और दसे किस तरह लोगों के विचार है उस नूं लैके ही हुण असीं हल्के दे विच जो विधानसभा दे विचों टिकट लड़ रहे ने चोण लड़ रहे ने वख वख पार्टियां दे उन्हां नाल दर्शकों की जान पछाण है जिहड़ी उह करवा रहे हैं जिस तहत ही असीं विधानसभा हलका तलवंडी साहब जो इतिहासक धरती है उत्थों श्रोमणी अकाली दल वल्लों उतारे गए सरदार जीत महेंद्र सिंह सिद्धू उन्हां नाल असीं मुलाकात करके तुहानूं उन्हां दे विचार है जिहड़े जाणू करवाउणे आ। मेरे नाल ने तलवंडी साहब तों जो श्रोमणी अकाली दल दे टिकट ते उतारे गए ने सरदार जीत महेंद्र सिंह सिद्धू उन्हां नाल आपां नाल गल्लबात कर रहे हां। सब तों पहले अजीत अदारे वनियों तुहानूं स्वागत है जी। अजीत अदारे बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर साडे जिहड़े दर्शक है वह सब तो पहले तो जानना चाहते हैं तुहाडा बायोग्राफी बायोडाटा कित्थों तुसीं बिलोंग करदे हो। सब तो पहले तो साडे दर्शक तमाम दर्शक जानना चाहते हैं। बिलोंग तो मैं हुण 26-27 साल हो गए मैनू हलका तलवंडी साबू की सेवा करते हैं तो मैं हलका तलवंडी साबू तो ही बिलोंग करता हूँ। कोई जगह नहीं पंजाब तो जितों मैं बिलोंग करता तो लंबे समय तो इस इलाके की अपनी दी मैं सेवा की है तो मैं कह सकता कि मैनू हलका तलवंडी साहब के लोगों ने बहुत प्यार दिता है सत्कार दिता है साथ दे के मैं एक बार नहीं चार बार लगातार MLA भी बनाया। सो मैं समझदा कि मेरा घर भी तो मेरा परिवार भी हलका तलवंडी साहब भी। सर सब तो अजीत बनियों तुहानूं हुण टिकट मिली है जी बधाइयां भी दिंदे तो असीं आस करते हैं कि तुसीं जित के ते मंत्री बनो। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर जी राजनीति विच सर तुसीं आए सीगे जदों की उद्देश लैके आए सीगे? सेवा जिहड़े पहले दिन तो शुरू की तो कल्ली सेवा नहीं जे कम किया तो ईमानदारी नाल किया तो दिलचस्पी नाल किया ये सोच के आए सी तो यही सोच हले भी चल रही। सर अपने हल्के दी जेकर आप गल कर लिए इतिहासक नगर है गुरुआ की चरण सोह प्राप्त धरती है तख्ती दमदमा साहब स्थित है इतने तलवंडी साहब इतों दिन मुख्य समस्यावान सर कि जिड़ियाँ तुम जित के हल कराओगे पहल के आधार पर तो जिड़ियाँ तुम पहल करवा चुके? देखो जो भी मैं मौका मिले सरकार का हिस्सा बनने का मैं बहुत यह जे काम कराए ने जिन्हें लोड़ सी हलका तलवंडी साबो दे विच ते जिहड़ा अपना इतिहासिक शहर तलवंडी साबो। सो हुण जदों गुरु महाराज की कृपा होगी लोगों का साथ है कामयाब होवांगे MLA बनांगे अपनी सरकार श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी की बन जा रही है तो दो तीन गल्लां मुख ने जिहड़ियां कि मेरी निगाह च काफ़ी समय तो है। एक तो जिहड़ा नहरी पानी का मसला है जिहड़ा आपां हल करना काफ़ी हल किया भी सी ते हुण कुछ जिहड़ा रह गया वो हल करना है। उस तो अलावा जिहड़े स्कूल ने जिहड़े कि 5वीं दे चल रहे ने उन्हां नूं अपग्रेड करना है 8वीं वाले नूं 10वीं करना है 12वीं करना है क्योंकि ना एक बड़ी वड्डी समस्या हुण आई है कि बच्चियां जिहड़ियां पढ़दियां ने वो बाहरले पिंडां दे स्कूलां च जां शहर च मापे नहीं भेजते जो हालात अजकल बने हुए ने समाजिक तौर पर। सो इस करके बहुत जरूरी हो गया कि वो बच्चियां दी पढ़ाई वास्ते जिहड़ा स्कूल पिंड दा हैगा उन्हूं घट्टो घट 10वीं दा तां करना ही चाहिए तो जिहड़े वड्डे पिंड है उत्थे हर पिंड 12वीं दा ते उहदे विच साइंस ग्रुप भी ते आर्ट्स ग्रुप भी सारे चलने चाहिए ताकि बच्चियां नूं ते बच्चियां नूं मौका मिले कि जिहड़ा उन्हां दा मन है उस पासे उह पढ़ाई कर सके। सर जिद्दां तुसीं इह पहल दे आधार ते काम करो इह पहल दे आधार ते काम करो। सर जे गल असीं गल करिए पंजाब दी कैप्टन सरकार रह गई 4.5 साल दी ते हुण मुख्यमंत्री चन्ने दे कुछ महीने 3 महीने हो गए लगातार जी किवें लै लो इहनां दा कारगुजारी तुहानूं किवें लगदी? कारगुजारी तां लोकी दस रहे ने जे कारगुजारी चंगी हुंदी तां कि मैनूं दसो 4 महीने पहलां कोई पार्टी आपदा मुख्यमंत्री बदलदी हुंदी है? मुख्यमंत्री बदलिया नवा मुख्यमंत्री लियाए एक मुख्यमंत्री दिखता नहीं सी
हूँ दूजा मुख्यमंत्री इन्ना दिखन लग गया तो इन्ने ऐलान कर लग गया कि लोगों ने मजाक ही बना लिया उसका। सो इस करके इन्हों का टाइम हो गया पूरा, हूँ लोगों का मन बन चुकया कि श्रोमणी अकाली दल की सरकार लियानी है। सर सुखबीर सिंह जी बादल, सर प्रकाश सिंह जी बादल ने जो पंजाब पिछले समय में किया वो सारे लोग याद करते हैं अच्छ। सो इस करके मैं लगता है कि बहुत वधिया ढंग नाल सरकार अपनी तो वड्डी गिनती च सीटा समुचे पंजाब जित के 80-85 सीटा जित के अपनी सरकार पंजाब नवी बनी। जे सर राजनीति देश की राजनीति की गल करनी जी, मोदी सरकार को तुम किमें लेंगे प्रधानमंत्री को कि देखो मोदी सरकार की राय तो यह है कि तुसी आ तीन काले कानून जिहड़े किसानी नूं बर्बाद करन वास्ते ये सरकार ने बनाए सी, जिहदे कारण किसानी भी ते मजदूरी भी खत्म हो जाती। इस करके जो फैसला ये सरकार कर रही है ये बिना सलाह कीते बिना किसी की राय लेते करती है। ता ही तुसी देखो अपने बहादुर किसान पंजाब यूपी हरियाणा राजस्थान के सारे किसान मिल के डट के मोर्चा लाया दिल्ली के बॉर्डर पर ते जित प्राप्त हुई। तो इस करके हुई क्योंकि लोगों को पता सी कि यह गलत कानून ने। सो मेरी तो यही राय है कि भी जो कुछ काम करना होंगे वो लोगों के भले वास्ते करो, लोगों को पूछ के करो। जिन्हों पता ही नहीं है इस गल का कि किस तरीके नाल लोकां दी की लोड़ है ते तुसी उन्हां ते थोप रहे हो ये सरकारां दा काम नहीं हुंदा। सो इस करके मैं समझदा कि मोदी सरकार पंजाब प्रति बिल्कुल फेल। सर जे पंजाब दे विच अगली सरकार श्रोमणी अकाली दल दी बनदी है तां पंजाब दे विच अहीं जे कोई 4-5 काम किहड़े करने चाहीदे जिहड़े लोकां नूं मतलब मकबूलीयत करनी जरूरी ने अहम हुण इस टाइम लोड़ है। देखो जी सब तो पहला तां अमन शांति भाईचारक सांझ सब तो जरूरी होंदी है जे किसी स्टेट ने प्रोग्रेस कर। उस तो अलावा कनैक्टिविटी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो नौकरियां देनिया बच्चों नौकरियां तो ही दित्तियां जाणगियां जे इंडस्ट्री आऊगी, इंडस्ट्री आऊगी तो जे इत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उन्होंने वो फैसिलिटियां मिलनगियां, उन्होंने जो इंडस्ट्री लगन वास्ते उन्होंने सहूलत चाहिए वो मिलनगियां तो वह इंडस्ट्री इत्थे आएगी। इंडस्ट्री बिना मेरा ख्याल है कोई स्टेट प्रोग्रेस नहीं कर सकती। दूजी गल किसानी नूं बचाउणा है, किसानी नूं किवें बचाउणा है? देखो हुण नरमे की बर्बादी हुई उहदा कोई हले तक मुआवजा नहीं मिलिया, तो सरकार नूं ये फैसला करना है कि आने वाले समय दे विच क्रॉप इंश्योरेंस जिहड़ी फसल किसान जिहड़ा आपदी खून पसीने की कमाई करके फसल नूं पालदा है जे उह किसे कारण बर्बाद हो जाती है तो क्रॉप इंश्योरेंस के तौर पर फसल की इंश्योरेंस बीमा कोई पॉलिसी तकड़े तौर पर लेके आनी चाहिए है जिदे करके वो किसानी वह मदद करके दोबारा वो आपके पैरों पर किसान खड़ा हो सके सर उस बीमे पॉलिसी के मुताबिक। सर हुण तुसीं लोकां दे विच मुद्दे लेके जाओगे थोनों की लगता है जी अपनी पार्टी दी की संभावनावां है की मतलब लोग तो पहले ही दस्सिया जी असी हलका तलवंडी साबो तो जी सर बहुत वड्डी जित प्राप्त करांगे जी सर, लोगों ने देख लिया है जी सर, MLA भी देख ली है इतने जो आम आदमी पार्टी की झूठे इनकलाब जिंदाबाद के नारे ला के इतने वोटा लिखिया जी सर। कांग्रेस पार्टी का तो हाल आपको पता ही है इतने आपसी इन्नी वड्डी लड़ाई है उन्होंने। सो लोग हुण मन बनाई बैठे ने कि इस बार हलका तलौंडी साबो तो श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का जो मैनू उम्मीदवार मेरी पार्टी ने इतने इलैक्शन सेवा करने भेजी है असी वड्डी जित प्राप्त करके असी ये सीट असी जितांगे ते जित के लोगों की मुड़ दुबारा उस तरीके नाल ही सेवा ते हल्के का विकास करांगे जिवें पहलां करते रहे। सर अखीर अखबार राज दे लोगों को तुसी की सुनेहा देना चाहते हो जी हुण जिहड़ा तुसी मतलब कहना चाहते हो कि ये काम करना चाहिए राज दे अपने स्टेट दे जां अपने हल्का स्टेट? हुण तो देखो महीने दो रह गए जी सर, हुण ये दो महीने कमर कसे कस के जी सर तगड़े होकर श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का साथ दिओ जी सर, तां कि आपां वधिया तरीके नाल वोटां इत्थों श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी नूं पैण ते वड्डी जित जिवें दस्या कि 80-85 सीटा जी सर आपां पंजाब च लै के आपदी सरकार लोगों की सरकार पंजाब की सरकार पंजाबियों की सरकार मुड़ दुबारा पंजाब च बनाई। बिल्कुल ये सन साढ़े 4 बार रह चुके MLA राजजीत महेंद्र सिंह सिद्धू जिहड़े पहला इत्थों सबका विधायक ने हुण पहला 4 बारी तलवंडी साबो तो रह चुके हैं, उन्होंने दस्या कि पंजाब दे विच जे साडी सरकार बनती है
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ 85 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਤਲਵੰਡੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ ਹੁਣ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਂਹ ਖਾਧੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂਹ, ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ?